लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे 4थी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविजन से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। न ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज्यादा तेजी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा, वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती अगर बीच समुद्र के एक टापू में एक माहीगीर की उससे मुलाकात न हो जाती। वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे। पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थीं। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थीं और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों।